हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक नए व्लॉग में। सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं और हम खड़े हैं लाल कुएं पे। सामने मेरे हमदर्द दवाखाना, इंतज़ार कर रहे हैं अंकल का। हम लोग आज वलीमा है, वलीमे की तैयारी चल रही है। आज हम जा रहे हैं आज़ादपुर मंडी फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। फ़ोन आ गया अंकल का, आने वाले होंगे। खाने में फ्रूट सैलेड वगैरह है और भी चीज़ें हैं जो और खाने में हैं, वो आपको जैसे जैसे दिन निकलता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल फ्रूट सैलेड का सामान लेने जा रहे हैं हम लोग आज़ादपुर मंडी, अब्दुल अंकल, मैं और आसिम भाई। ठीक है, तो आ जाएं अंकल, फिर सफ़र शुरू करते हैं। आप लोग ज्वाइन कीजिए हमें, हम आपको दिखाएंगे, प्रिपरेशन दिखाएंगे, वलीमा दिखाएंगे। बाकी आपने शादी का व्लॉग देख लिया होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोग जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया है, और जो लोग नए देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा पिछला व्लॉग भी जाके देखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मिलते हैं फिर आपसे। हाँ जी, पहुँच गए हैं आज़ादपुर मंडी भाई। सुबह सुबह बड़ी रौनक है यहाँ पे मंडी में, और जगह हमें मिल गई थी, पार्क कर दिया गाड़ी, जा रहे हैं आगे। लाइट से बड़े फ़ायदे हो रहे हैं यार मुझे, फटाफट से जाते हैं मंडी के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या है, क्या क्या रेट का है, कैसा है। चलो जी, सब्जियां वगैरह आ रही हैं, सारी आइटम आ रहे हैं सारे। बैंगन जा रहा है जी, बैंगन भर के फर्स्ट क्लास। मेरा फर्स्ट टाइम है भाई मंडी में। वाह वाह, सुबह सुबह ताजी भाई साहब, एकदम ताजा टमाटर। अब बात है, अब कुछ ताजा ताजा बच्चे टमाटर, नारियल 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो ब्रोकली। हाँ, बढ़िया बढ़िया है ब्रोकली, 40 रुपए बहुत सस्ती है अंकल। हाँ जी हाँ जी, गाजर वाजर सब पड़ी है। मेरा फर्स्ट टाइम है भाई आज़ादपुर में, मैं भी पहली बार ही आया हूँ, लेकिन वाकई बहुत सस्ती है यार। क्या रेट है भाई गाजर? गाजर 14 रुपए किलो एक क्विंटल लेने पे, एक क्विंटल मतलब 100 किलो लेने पे 14 रुपए किलो पड़ेगी। क्या बुरा भाई साहब, गाजर का लो मनमाने के लिए घर में सबसे बढ़िया है। क्या बात है, क्या बात है, बथुआ बथुआ सब पड़ा है यहाँ पे। तो मशरूम 30 की 2, 15 की 30 की 2 मशरूम। ये देसी है, देसी है जी, देसी है। ओ भाई साहब, आ गए जी मंडी के अंदर, ये है मेन मंडी। बीन्स पड़ी है, करेला पड़ा है भाई भर भर के, क्या बात है। खीरा, मीठा घिया, लौकी, कटहल, कटहल भरा हुआ है भाई। हाँ वो पड़े हैं तरबूज, कटहल ले आसिम भाई, क्या गजब कटहल है यार। हाँ माशाल्लाह, हाँ हाँ हाँ, लाल मिर्च अचार वाली, शिमला मिर्च, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ भाई, अंगूर देखे आप, फ्रेश अंगूर भाई साहब। यहाँ पे सारे आइटम देख के तो ऐसा लग रहा है भाई हम लोगों के यहाँ जो फ्रूट्स मिलते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं। अंगूर क्या गजब के फ्रूट्स हैं यार, ऐसे फ्रेश बिल्कुल एकदम। अमरूद देखो यार, अमरूद दिखाता हूँ भाई, अमरूद क्या रेट है किलो में? 50 है, दड़ी पे 200। ये लो सर, आप भी खाओ। अरे कोई नहीं, धन्यवाद। 100 किलो चाहिए भाई, 100 किलो चाहिए, 100 किलो पैसा बताओ सही। वो पीछे वहाँ भी अमरूद लगा हुआ है, वो बड़ा वाला अमरूद आता है ना, वो है वहाँ पे। ठीक है सर, वो वाला ही है। हाँ बड़ा वाला अमरूद हुआ है सही। प्लेट दूँ करें? नहीं नहीं, तरबूज की भरमार भाई दिखा रहे हैं सरदा। तरबूज क्या भाव बताया भाई? 18 किलो, 18 किलो जाएगी, 15 की है राजस्थान वाले होती है। 8 है
कर लो नंबर दे दो सरदा क्या रेट है 350 रुपये 350 बना लूँ वीडियो बना लूँ कोई बात तो नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं बनाई और वो क्या बताया तरबूज 18 रुपए ये अंदर की है जो 18 रुपए पीस या किलो नहीं नहीं किलो 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 18 रुपए अच्छा 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 सही ये राजस्थान वाली ले जाओगे रुपए सस्ते मिलेंगे लेकिन काटने के बाद आपको व्हाइट निकल जाएगी सुबह के 5:30 हो रहे हैं भाई साहब हम बहुत ज्यादा जल्दी आ गए अभी मार्केट लगना शुरू हुई है ठीक है सरदा तरबूज पता कर रहे हैं भाई साहब 18 रुपए किलो तरबूज चलो हाँ जी उधर पाइन एप्पल है वो उधर सामने तरबूज है और अगर तरबूज 40 रुपए यार बाजार में भी इतने का ही मिल जाता हम यहाँ क्यों आए बताओ भाई साहब अनानास फड़ा हुआ है जबरदस्त ओहो हो और एकदम पका हुआ अनानास है पीला क्या बात है देख रहे हैं आप कलर देखिए बिल्कुल पका हुआ अनानास कोई कोई होगा इसमें जैसे ये है थोड़ा बहुत कहीं खट्टा निकल आएगा वरना ज़्यादातर मीठा अनानास होगा बिल्कुल अभी देखिए हल्की हल्की खुल ही रही है मार्केट लग रही है अभी तरबूज तरबूज लगा हुआ है सरदा लगा हुआ है गरम गरम चाय की भी सुविधा है मस्त क्या बात है ये 250 रुपये किलो है छोटा साइज है थोड़ा ये 250 रुपये किलो नहीं है भाई ओ सॉरी 250 रुपये का कार्टून पेटी 250 रुपये का कार्टून छोटा 6 किलो लगभग और ये बड़ा पीस है थोड़ा ये 300 रुपये का है पेटी ये क्या सीजन है भाई सर्दी में आम आप ही हैं सर क्या रेट है आम पेटी 1200 की पेटी वजन 6 किलो वजन और ये तोता परी है ना ये नहीं पैरी है तोता परी नहीं कौन सा पैरी ये कितना बताया आपने 1100 5.5 किलो 1100 मतलब 200 कुछ रुपए सर्दी में आम आ रहा है लेकिन बहुत महंगा है भाई साहब लगभग 200 के आसपास जा रहा है आम मतलब बहुत बड़ी मंडी है यार थक जाए आदमी चलते चलते सेब देखें आप दुनिया भर का सेब रखा है यहाँ पे और रखा है 11 रुपए पैसा ही लगेगा 600 रुपए की पेटी कितने किलो 9 किलो की और तरबूज सेम इसकी 18 रुपए कमाल है वही लूज बेच लो तो 14 रुपए और कार्टून में डाल के बेच दो तो 18 रुपए किलो तरबूज कमाल है भाई साहब भाई बेर कम और अमरूद ज्यादा लग रहा है भाई साहब ये लगना शुरू हो गई है मंडी कैसे भैया तरबूज कैसे दे रहे हो तो रेट ही ऐसे बता दिया शरीफा एकदम पका हुआ पीला शरीफा अंगूर गजब बेटा कितने किलो 10 कीवी कैसे दे रहे हैं 24 रुपए एक डिब्बे में कितना होता है कितने किलो होता है बेर रखे हैं भाई 950 रुपए का डब्बा 20 पीस आएंगे 950 का डब्बा 20 पीस ड्रैगन फ्रूट 9 किलो माल है 9 किलो भाई ह्यूमन मशीन देखें करो करो तुम अपना काम करो यार ज़बरदस्त काम चल रहा है भाई साहब खटाखट भाई कीवी के स्टोरेज में आ गए हम तो गजब कीवी कीवी अच्छा माल भी है देखो ऐसे साइड कर देते हैं यहाँ पे ये सब क्या बात है कितना क्या बात है भैया ट्रक अभी अनलोड भी नहीं हुआ है भाई ने खोल दिया ट्रक कीवी दिखाने के लिए क्या बात है अरे ट्रक क्या है भाई घर बना रखा है छोटा है पता नहीं क्या है भाई काला घोड़ा इसमें क्या है काले घोड़े में चीकू है भाई अच्छा चीकू है ये क्या भाव है ये मार्केट के ऊपर है जैसा मार्केट खुलेगा अच्छा फिर मतलब अभी लेंगे तो कुछ नहीं पता लगेगा अभी जो कल का रेट है उससे 10 रुपया ऊपर जमा होगा
455 रुपए किलो भाई। ये कीवी खट्टा तो नहीं होगा? कितने, 2000 रुपए का कीवी? कीवी ले लिए भाई और ऐसे खाई थी बिना उसको छीले हुए, और मुंह में जो है वो लग गया उसे कांटे। हाँ जी भाई जी, क्या क्या रेट बता रहे हैं? 25 लेकिन हम 22 रुपए में लेंगे। अच्छा, 23 में सौदा हुआ जी। पपीता देखने में अच्छा है, सवेरा हो गया भाई साहब, देख सकते हैं आप पीछे उजाला हो गया सारा, सामान भी हमने सारा ले लिया है और उसको पैक भी करा रहे हैं। अब आगे गाड़ी करेंगे, गाड़ी में डलवाएंगे और ले जाएंगे। मेरे ख्याल है आज बादल रहेंगे आसमान में, सर्दी इतनी नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है फिर भी इतनी सर्दी नहीं है। अंकल वगैरह गए हैं गाड़ी लेने के लिए, मैं इधर खड़ा हूँ सामान के पास। हलचल थोड़ी तेज़ हो गई है यहाँ पे, लेकिन अभी भी उतनी नहीं है जितनी इस टाइम पे होना चाहिए, पता नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कितना होता है यहाँ पे इस टाइम पे। जब तक गाड़ी लोड हो रही है भाई साहब, मैंने सोचा अमरूद ले लूँ घर के लिए, वो आइटम तो वहाँ का हो गया सारा फंक्शन का, अब मैं घर के लिए सोच रहा हूँ अमरूद ले लूँ थोड़े से। बताओ ये लास्ट कितने तक लग जाएंगे? ये लास्ट आपको 2800 रुपये में लगेगा। कितना कितना मिनिमम? नहीं, कितनी कितनी क्वांटिटी लेना पड़ेगी? क्वांटिटी वो तो आपके ऊपर है, आप कितने लोगे, 10 किलो 20 किलो? मिनिमम कितना देते हो आप? 5 किलो दे देते हो? 25 लगा के दे दो यार, 10 किलो दे दो, 25 लगा के हैं दे भैया को, दे 10 किलो दे। 10 किलो ले लिया 25 रुपए के हिसाब से, वहाँ के हिसाब से सस्ता है। ये भाई है हमारे, क्या नाम है भाई आपका? विशाल भाई। ये विशाल भाई की यहाँ पे लगती है अड़त। पेमेंट कर दूँ फटाफट से, मैं मिलता हूँ आपसे। भाई गाड़ी लोड हो रही है फर्स्ट क्लास। तरबूज हो गया, पपीता हो गया, सामने देख सकते हो आप, वो सब पपीता पपीता लगा रखा है बढ़िया। वो देखो दिख रहा होगा शायद आपको पपीता वहाँ पे, ठीक है। दुकानें खुलना चालू हो गई हैं यहाँ पे, पैक करके भी देते हैं आइटम टोकरी में बना के। हाँ जी, गाड़ी पैक हो गई है भाई, ये है गाड़ी पैक बिल्कुल। और हमारे अब्दुल अंकल बेहतरीन, और ये आसिम भाई हमारे, सबने मिल के भाई बहुत मेहनत करी है, 4:30 बजे से यहाँ खड़े, और अब टाइम हो रहा है 7:45, लगभग 4 घंटे। भाई साहब सामान लेके, सामान पीछे है, अभी मंडी से बाहर निकले हैं, अब जा रहे हैं वेन्यू पे, जाके आपको वेन्यू भी थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। अभी तो तैयार होगा वेन्यू, रात में निकल के आएगा, खुल के आएगा, उसका जो लुक होगा, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं। इतनी सुबह का जो सूरज है ना, मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ भाई। ड्राइविंग स्किल्स देखें आप, ये गाड़ी सीधी जा रही है, ये सीधी जा रही है, और ये भाई साहब कैसे लगाए खड़े, ये ड्राइविंग स्किल्स हैं भाई। सामान लेके पहुँच गए हैं वेन्यू पर, और वेन्यू का नाम है नेशनल क्लब, जो कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है। हालत अभी कुछ उजड़ी उजड़ी सी है क्लब की या वेन्यू की, क्योंकि अभी लाइटिंग वगैरह हो रही है, डेकोरेशन हो रही है, सामान आ गया है गाड़ी में और ये अनलोड होना है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। फिर घर जाऊंगा मैं, थोड़ा सोऊंगा क्योंकि रात भर सोया नहीं हूँ भाई मैं, ठीक है। सोने के बाद फिर 12-1 बजे फिर आऊँगा और आपको यहाँ पे फिर वेडिंग के जो मेकिंग है आइटम्स की वो दिखाऊंगा। ये है जी सामान, और ये अनलोड होके जाएगा वहाँ शायद कमरे में। अब्दुल अंकल लेके आए चाय भाई साहब, घर से अपने हाथ से बना के, क्यों अंकल यही बात है अपने हाथ से? क्या बात है क्या बात है, निकला थर्मस गरम। गरम गरम भाई साहब, बताओ सुबह 4 बजे की चाय बनेगी? हाँ जी, सुबह 4:30 की चाय है और अब पी रहे हैं हम भाई, मैं पकड़ लूँ क्योंकि हमको टाइम नहीं मिला। हाँ जी बिल्कुल, आज टाइट हो गया मामला, शुक्रिया। हाँ भाई वाह, आसिम भाई, अब्दुल अंकल की चाय और एक हमारी चाय, चाय तो बनती है भाई साहब।
भाई वाह मजा आ गया चाय में। सुबह सुबह 8:30 बज रहे हैं, लगभग 8:30 बजे बेहतरीन चाय।